Assalamu alaikum everyone, hope you people are fine and safe at your home. This is me Aisha. चले जनाब जल्दी से आपको बताते हैं कि हलवा कैसे बनाया जाता है. मेरी अम्मी को हलवा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उस दिन हलवा बना रही थी तो सोचा आपसे शेयर किया जाए. एक एक कप है सूजी, चीनी और घी या ऑयल, ठीक है. तीन इलायचियाँ हैं और कुछ ड्राई नट्स हैं. ये जनाब हमें तीन ग्लास पानी के अंदर में हमने एक कप चीनी को डाल के उसका शीरा तैयार करना है, शुगर सिरप, ठीक है. अब हमने घी डाल दिया है कढ़ाई में. आप घी ले लें, ऑयल ले लें, देसी घी ले लें, जो भी आपका दिल चाहता है. तीन इलायचियाँ हम घी में डाल के इनको कड़कड़ाएंगे. हाँ जी, कड़कड़ाना ही कहते हैं. अच्छा जी, ये हल्का सा ब्राउन हो जाएंगी, कड़कड़ाना शुरू हो जाएंगी, तो इसके अंदर में हम डाल देंगे सूजी, ठीक है. आपने सूजी, घी और चीनी, तीनों की जो क्वांटिटी है, मकदार है, वो सेम रखनी है आपने, ठीक है. चलें जी, अब हम सूजी को लगे हैं भूनने और अपने बाजू की जो है वो वर्जिश करवा दें आप. हाँ जी जी, सूजी को अब हमने भूनना स्टार्ट कर दिया है. आपने इसको इतना भूनना है कि इसका रंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, और साथ में खुशबू आना शुरू हो जाएगी. आपको तो खुशबू आ ही रही होगी क्योंकि आप तो बिल्कुल चूल्हे के सामने खड़े होंगे. अब इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है जो पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है. उसके लिए आपने पता है क्या करना है? आपने घर के किसी एक फ़र्द को कहना है कि वो घर के आखिरी कोने में जाके बैठ जाए और आपको तब तक इसको पकाना है, तब तक इसको भूनना है जब तक वो आखिरी कोने में बैठे हुए बंदे को इसकी खुशबू ना आना शुरू हो जाए, ठीक है. मजाक कर रही हूँ वैसे, लेकिन मेरी नानी कहा करती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि जो सूजी का हलवा होता है ना, वो सूजी तब तक भूननी चाहिए तब तक कि जब तक कि घर के हर फर्द को उसकी खुशबू ना आ जाए, ठीक है. अब जी, इसके अंदर में अगर आपको पसंद हो तो दो चम्मच देसी घी ऐड कर दें, या चाहें तो आप सारे का सारा हलवा ही आप देसी घी में बना दें जनाब. अच्छा, यहाँ कलर चेंज हो गया था, खुशबू आ गई थी, तो फिर हमने इसके अंदर में डाल दिया है वो शुगर सिरप, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं शीरा, शीरनी कहते हैं मेरा ख्याल है, या चाशनी कहते हैं. यस, चाशनी कहते हैं. अच्छा जी, चलिए जी, आप अपनी ज़ुबान में कुछ भी कह लें, कोई मसला नहीं, खैर है. अब इसके अंदर में हम डाल रहे हैं बादाम, किशमिश, और मैंने पिस्ता डाला था और थोड़े से काजू डाले थे. नारियल मुझे पसंद नहीं है, जिसको हम खोपरा कहते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है किसी भी ड्राई फ्रूट में, पता नहीं, सॉरी, ड्राई फ्रूट कह रही हूँ, स्वीट डिश में. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ज़ाफ़रान था तो मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दिया था. अगर आपके पास मौजूद है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है. आप इसके अंदर में केवड़ा वाटर जो होता है, एसेंस जो होता है बेसिकली, आप वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, उससे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी. चलिए जी, अब हमने चाशनी डालने के बाद इसको इतना पकाना है कि इसका वो जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और हलवा जो है वो कढ़ाही का जो कढ़ाही को छोड़ना शुरू कर देगा और साइड से उसका ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. आपने इसको इतना पकाना है. पाकिस्तानी जो है वो एक बड़ी ट्रेडिशनल सी डिश है, ये स्वीट डिश, और अम्मी मेरी बताती हैं कि पहले ज़माने में तो इस तरह की कोई ऐसी स्वीट डिश नहीं होती थी ना, जैसे अभी हैं रसमलाई हो गई, केक्स हो गए एंड ऑल दैट. तो पहले तो घरों में यही होता था कि कोई खुशी है या कोई घर में मेहमान आ गया है या वैसे भी, तो हलवे ही बनाए जाते थे और बहुत मुख्तलिफ किस्मों के जो है वो हलवे बनाए जाते थे, दाल का हलवा, बेसन का हलवा, मैदे का हलवा इवन. तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों में से किस किस को हलवा पसंद है, आपके घरों में जो है वो हलवा जो है वो कितने शौक से खाया जाता है. चलें जी, यहाँ पे ये जो है हलवा जो है वो तकरीबन तैयार है. इसको क्योंकि हमने इतना भूनना है कि ये साइड से जो है वो कढ़ाही का पेंदा जो है वो छोड़ दे, ठीक है. अब हमने इसको जो है ना वो टाइम लैप्स पे लगा दिया था क्योंकि थक गई थी मैं इसको बनाते बनाते, और मुझे थोड़ा सा वो पड़ा हुआ था ज़ाफ़रान के दो तीन और जो हैं वो पीसीस, तो मैंने वो भी डाल दिए थे इसके अंदर में. जी जनाब, हलवे की खुशबू वैसे बहुत मज़े की आ रही थी. पर्सनली मैं हलवा, मुझे पसंद नहीं है, मैं हलवा लवर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि घर के बनी हुई कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि फिर मज़ा आ जाता है उसको खाने में.
अच्छा, हलवे से ना मुझे हमेशा एक बात याद आती है। बचपन में मैं छोटी थी जब, तो बचपन में सारे छोटे होते हैं, तो अम्मी ने एक दफ़ा हलवा बना के जो है ना वो किसी ऊंची सी जगह पे रखा, मतलब एक वो हमारा शोकेस टाइप था उसके ऊपर रख दिया उसको ना ठंडा होने के लिए। तो मुझे पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थी खाने की और वो गर्म इतना ज़्यादा था कि मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो पूरी की पूरी प्लेट मेरे पाँव के ऊपर आके गिर गई और मेरे पाँव के ऊपर जब अच्छे खासे जो हैं वो आबले बन गए, अभी भी वहाँ पे निशान है। तो मुझे जब भी मैं हलवा देखती हूँ, खाती हूँ या बनाती हूँ तो मुझे वो चीज़ याद आ जाती है। अच्छा जी, हलवा हमारा हो गया है रेडी। चलें जी, इसको डिश आउट करें, खाएं, खिलाएं, दाद वसूल करें। ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे घरों में इस तरह से चाशनी बनाकर नहीं भी बनाया जाता होगा तो एक यूनिक सी डिश हो जाएगी उनके लिए। और मैंने सोचा चलें अब कुछ बनाया है तो आपसे शेयर तो ज़रूर किया जाएगा। ये अब हम आपको खा के भी बता देते हैं, आ जाएं आप लोग भी खा लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।